सबको फ्रेंड्स, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं FSAVNI फिशी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको बस की फिजिबिलिटी बताऊंगा कि बजट की फिजिबिलिटी होगी 20 पेयर की, कि हम कितने पैसे लगाकर या कितनी इन्वेस्टमेंट करके इससे कितने पैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट एक्सपेंसिव बताऊँगा कि फर्स्ट एक्सपेंसिव में कौन कौन से आते हैं, उसके बाद बर्ड की सेलिंग प्राइस क्या होती है, उससे हम कितना मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट एक्सपेंसिव की बात करते हैं, ये 20 पेयर की फिजिबिलिटी है, यानी कि 20 पेयर रखकर हम उससे कितना मुनाफा हासिल करेंगे। आप फर्स्ट एक्सपेंसिव की बात करते हैं, हमारे पास पेयर आ जाते हैं, उसकी हमें 500 रुपये का पेयर कॉस्ट करेगा, हमें 20 पेयर लेने हैं तो हमारे 10,000 रुपये के ये हो जाएंगे बर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलोनी बनानी है, जिसमें हमने बर्ड को रखना है, उनसे ब्रीड हासिल करनी है, वो बनाएंगे कॉलोनी, हमारी 7,000 से 8,000 में एक अच्छी कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स और स्टिक्स आ जाती हैं, जो हमें डंडिया वगैरह लाने और दाना पानी के बर्तन जो होते हैं वो तकरीबन हमारे 250 रुपये में हो जाएंगे। स्टिक हम घर में भी होती हैं या आप कहीं से ले लें, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी, और पोर्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 250 रुपये के हमारे ये हो जाएंगे। उसके बाद सीड मिक्स आ जाएगी, जो हमने बर्ड को डालना दाना, वो हमें 4,000 से लेके 5,000 रुपये का तक का एक 50 kg का टोड़ा मिल जाता है आराम से। अदर एक्सपेंसिव में मेडिसिन सौ फूट वगैरह आ जाता है, वो 500 रुपये हम वो लगा देते हैं। उसके बाद बॉक्स और मटकी आ गई, जिनमें हमारे बर्ड ने जब बैठ कर अंडे वगैरह देने हैं। ठीक है, अगर आप बॉक्स लगाना चाहते हैं बॉक्स लगा रहे हैं, मटकी लगाना चाहते हैं मटकी लगा रहे हैं। गर्मियों के दिनों में मटकी बेस्ट रहती है ट्रेन के लिए। ठीक है, बॉक्स के 100 मसाइल होते हैं, बर्ड के बच्चों के पाँव खराब हो जाते हैं, 100 मसाइल आप मटकी लगाएं, मटकी बेस्ट रहती है। 1,400 रुपये की मटकी मिलेगी, हमें 25 मटकियाँ लेनी हैं, तकरीबन हमारे 1,250 रुपये बन जाएंगे। 5 मटकियाँ हमें ज़्यादा क्यों लेनी है, क्योंकि बाद फीमेल जो होती है बजरीज में वो आपस में लड़ पड़ती हैं, जिस वजह से बाद ये बर्ड का मरने का भी खर्चा होता है फीमेल का। हम अजाफी लेंगे 5 ताकि बर्ड आसानी से अपनी जो है मक्की सेलेक्ट कर लें। ये टोटल एक्सपेंसिव से हमारे 24,000 हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेंसिव हमारे जो हमें कारोबार करने या कारोबार शो करने से पहले लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो बर्ड का कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है आजकल, तो कोरोना के दिनों में भी ये कारोबार नहीं रुका, बाकी कारोबार सब बंद हो गए। अब मैं दूसरी तरफ फ्लिप करता हूँ आपको, जो इसकी ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं। है तो ये मैंने मेरी दूसरी तरफ फ्लिप कर लिया है, अब इसमें इस जगह पर आपको बताऊँगा कि एक पेयर कितने बच्चे निकालता है एक रश में। ठीक है, और उसकी फ्रेंड प्राइस क्या होगी, और 20 जोड़ों के बच्चे कितने निकलेंगे, 3 क्लच में या 4 क्लच में। ठीक है, पर पेयर की जो एवरेज होती है 4 से 5 होती है। ठीक है, 4 से 5 बच्चे की एवरेज होती है एक पेयर की, और हमारे पास 20 पेयर हैं, हम 4 बच्चों के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि बाद अंडे जानी चाला या अनफर्टाइल वगैरह हो जाते हैं। हम 4 बच्चे लगाते हैं, 80 बच्चे आ गए हमारे पास पर क्लच में। ठीक है, पर क्लच बढ़ा से 80 बच्चों को हो गया, बस हम एक सीजन में 3 क्लच लेते हैं, तो 3 से ज़रूर करेंगे तो 240 बच्चे हमारे 3 क्लच में आ जाएंगे, यानी कि एक सीज़न में आराम से हमारे पास 240 बच्चे होंगे। जो पेयर जो पट्ठों का पेयर बनता है वो 120 बनते हैं, देखिए 120 पेयर होंगे हमारे पास, पट्ठों से तैयार होंगे जो हमारे पास। अगर आप सही करना चाहें तो आप सेल भी कर सकते हैं, अगर आप अपने बर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब इसकी सेलिंग प्राइस करते हैं कि हमारे पास ये कितने का पेयर सेल होगा, जो हमारे पास पट्ठे निकले हैं, इसलिए वो हमारा 300 से 350 रुपये का आराम से एक पेयर सेल हो जाता है। अगर अब की बात करें, हमारे पास 120 पेयर आए, 300 के हिसाब से सेल करते हैं तो 36,000 जो है हमारा ये प्रॉफिट आएगा। अगर उसमें से बात करते हैं कि जो हमने फर्स्ट एक्सपेंसिव किए थे उनको माइनस करते हैं, तो देखें 36,000 माइनस 24,000 जो हमारे फर्स्ट एक्सपेंसिव हुए थे, ये हमें 14,000 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे इसमें कितना प्रॉफिट है। अगर बात कर अगर हम से बस से 4 बच्चे ले लेते हैं, यानी कि एक बच्चे और ले लेते हैं, तो हमारे पास 160 बच्चे हैं, एक पेयर आएंगे। ठीक है, यानी कि 300 कुछ पेयर पट्ठे बनते हैं, उसे मिला के 160 पेयर हो गए हमारे पास। 300 के हिसाब से सेल करते हैं तो हमारे पास 48,000 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, अगर 48,000 में से हम फर्स्ट एक्सपेंसिव को माइनस करते हैं तो हमारे पास 24,000 रुपये जो है मुनाफा आता है, 24,000 मुनाफा है, यानी कि
जितने पैसे लगाए उससे हमने डबल से ट्रिपल कमाया, ठीक है ना, हमने डबल से ट्रिपल कमाया। अगर हम चार बजे देते तो हमारे पूरे के पूरे पैसे जो है ना एक सीजन में पूरे हो जाते हैं। अगर बाद में अगर आप ज़्यादा बजरी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बजरी है वो पूरा साफ ब्रीड करता है, आठ बच्चों से अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी खुराक और अच्छी विटामिन दे रहे होते हैं। ठीक है, मैं आज की विजिबिलिटी के लिए बस इतना ही चला, फिर अगले दिन या आपके लिए बेहतरीन से विजिबिलिटी लाएंगे अच्छे पेड़ वाली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रबर में म्यूटेशन में भी आप विजिबिलिटी बताएँ तो आप एक मिनट में बता सकते हैं, मैं चला आपके लिए अभी विजिबिलिटी लेकर आऊँगा। फिर भी हमारे जो शेड्यूल में आए वो भी जल्दी आएंगे, क्योंकि जो आम लोकल पेड़ पट्टे पैरसाइन से बर्ड हैं उनको हम पहले कर लेते हैं पूरा, फिर बाद में जो है म्यूटेशन की तरफ हम आएंगे, लबड़ की तरफ और रिंगना की तरफ, जो भी बदल जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप शेयर करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आज वीडियो इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।